नमस्कार, सविताज कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम तरबूज का शरबत बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तरबूज का शरबत बनाने के लिए हमने एक तरबूज लिया है और सबसे पहले हम इसे कट करेंगे। तो हम इसे काटते हैं। ये देखिए कितने फ्रेश और लाल लाल हमारे ये तरबूज हैं। दिखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं और बहुत ही मीठे लग रहे हैं। तो हम इसे एक साइड में रखेंगे और इस हाफ जो हमारा जो तरबूज है ना, हम इसे और भी काट लेते हैं, इसको इसके पीसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको इस प्रकार से इसके पीसेस कर देंगे। और अभी जो मई जून में इतनी भयानक गर्मी लग रही है ना, पड़ रही है, तो ऐसे में जब आप बाहर से आओ और आपको तरावट देने के लिए ये आप ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत तैयार करिए, तो कितना बढ़िया लगेगा। आप पियेंगे इसे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और एनर्जी भी मिलेगी। तो देखिए हमने इसे कट कर दिया है और अब हम इसके और भी ज्यादा छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। देखिए इसको ना हमने ऐसे लंबे लंबे पीसेस में ऐसे काट लिया है तरबूज को, और अब हम इस प्रकार से इसको इसका जो ये रेड वाला भाग है ना, इसको निकाल निकाल के इस तरफ रखते जाएंगे और इस इनके छिलकों को एक तरफ साइड में रखते जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है ये हमारा आज तरबूज का शरबत। इसी प्रकार हम सबको निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इस प्रकार से ये सारे तरबूज काट लिए हैं। ये हमारा लास्ट पीस है, इसे भी हम इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। और बीज जो है ना इसके, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। और जैसे कि ये तरबूज फायदेमंद है, वैसे इसके बीज भी फायदेमंद है। और वैसे भी हम इसको इस मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इसे हम छानने वाले हैं, तो हम इन बीजों के साथ ही इस तरबूज को इस मिक्सी में पीस लेंगे। तो हमने ये मिक्सी का जार लिया है और अब हम इन तरबूज के जो पीसेस किए हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हम मिक्सी के जार में इन सभी पीसेस को डाल लेंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं ना हमारे ये तरबूज, लाल लाल है, मीठे मीठे हैं, माउथ वाटरिंग लग रहे हैं देखकर। तो हम इसी प्रकार इन सभी तरबूज के पीसेस को इसमें डाल लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमने एक ये लेमन लिया है नींबू, इसे हम बीच में से ऐसे कट करेंगे। इससे क्या होगा ना, ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। ये हमने लिया है ऐसे और हम इसमें ये नींबू का ऐसे रस निचोड़ देंगे और इसी तरीके से हम इसे भी इसमें रखेंगे और इसे भी हम दबा के इसका भी हम इसे और भी ज्यादा बढ़िया इसका स्वाद आएगा। तो हमने एक नींबू इसमें डाल लिया है और अब हम क्या करेंगे, और अब हम इसे और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए ये हमने लिया है मिंट, पुदीने की पत्तियां है ना। ये देखिए हम बिल्कुल फ्रेशनेस का एहसास दिलाएंगे और हमने इन्हें भी इसमें डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये हमने पिसी हुई चीनी ली है, ये भी हम एक चम्मच लेंगे, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए ये हमने लिया है शहद, है ना, ये शहद लिया है, इसे और भी ज्यादा हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये हम एक चम्मच इसमें ये शहद डाल देंगे और इसको पीने के बाद जो आपको ताजगी का एहसास होगा ना और जो एनर्जी आप में आएगी, तो उसके तो कहने ही क्या है। तो सारी की सारी जो गर्मी है ना बाहर से, जो आप आएंगे तो बिल्कुल थके हुए, तो एकदम आप चुस्त दुरुस्त अपने आप को महसूस करेंगे। और लास्ट में हम क्या डालेंगे, लास्ट नहीं है, अभी और भी है, इसको और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए ये हमने लिया है काला नमक। तो हम इसमें ये आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम है, देखिए इतना हम काला नमक डाल देंगे। और हमने क्या लिया है, ये हमने लिया है
रुआबजा, तो हम इसमें ये रुआबजा भी डाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया लगेगा ये पीने पर, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है आज हमारी ये तरबूज की रेसिपी, अर्थात तरबूज का शरबत। तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे और अब हम इसको मिक्सी पर रखेंगे। चलिए अब इसे मिक्सी में ग्राइंड करने चलते हैं। ये हमने मिक्सी पे इसे रख दिया है और अब क्या करेंगे, मिक्सी को ग्राइंड करने से पहले ये हमने कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं और इसे हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे इसमें स्टेनर, हमने इस बाउल में एक हमने बाउल लिया है, इस पे स्टेनर रखा है और अब हम इसे छानेंगे। तो ये देखिए जो इसके बीज है ना, वो देखिए इसमें धीरे धीरे करके इसमें बीज ऊपर रह जाएंगे और जो हमारा ये जूस है ना, वो देखिए कितने अच्छे से देखिए नीचे जा रहा है ना। और इस प्रकार हम एक चम्मच की सहायता से वो धीरे धीरे राउंड करते जाएंगे और ये हमारा जूस है तरबूज का, सेहतमंद और स्वादिष्ट जूस हमारा ये छन रहा है। और कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। पुदीना है इसमें, शहद है, काला नमक है, नींबू है और एनर्जी देने वाला ये स्वयं है तरबूज। तो इन गर्मियों में इसका आनंद अवश्य ही लेना चाहिए। ये देखिए धीरे धीरे करके हमारा ये पूरा तरबूज का जूस अच्छे से हमने इसको स्टीनर में छान लिया है और जो बाकी का जो पल्प है ना, वो देखिए ऐसे ऊपर की तरफ निकल गया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए ये आइस क्यूब्स हैं, ये हमने ग्लास ले लिया है और इसमें हम आइस क्यूब्स को पहले अच्छे से इसमें डाल देंगे दोनों ग्लासेस में। इतने बढ़िया लग रहे हैं ये आइस क्यूब, देखिए गर्मी में बर्फ तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और ये हमने ये जो है ना तरबूज, उसके कुछ छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, तो जब हम इसका जूस पियेंगे ना, तो ये जो इसके जो ये चंक्स है ना, छोटे छोटे तरबूज के टुकड़े, जब ये मुंह में जाएंगे ना, तो खाने में बहुत ही अच्छे, इसको पीने में भी बहुत अच्छे लगेंगे, है ना। तो पीते भी जाएंगे और थोड़े और छोटा छोटा ये तरबूज का ये जो है ना चंक्स, इसको भी हम खाते जाएंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। आपके घर में ना जब भी कोई मेहमान आए तो आप इसी प्रकार से जूस को बनाइए, अपने बच्चों को पिलाइए, स्वयं भी पीजिए और चिलचिलाती धूप में जब भी आएंगे ना, तो आपको आनंद मिलेगा इसको पीने। तो लीजिए तैयार है हमारा ये स्वादिष्ट तरबूज का शरबत। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया हुआ ये तरबूज का शरबत अगर पसंद आए, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल सविताज कुकिंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरबूज के शरबत को, स्वादिष्ट शरबत को आप एक बार इन गर्मियों में जरूर ट्राई कीजिएगा और ताजगी का एहसास लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।